स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे इस YouTube चैनल पर अभी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है HAP, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहे। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक और उनके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं जी सेल, होमियोस्टेसिस, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये पांच टॉपिक फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पांचों भी कर लिए, इसका मतलब आपने फर्स्ट यूनिट का 50 से 70% कोर्स कर लिया कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का। अगर आपने ये पांचों कर लिए, इस पांचों के डायग्राम्स कर लिए, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल क्या होता है प्लस सेल का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आज इस वीडियो में सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल? तो बेसिकली आपने सेल के बारे में काफी सारी बातें सुनी होंगी। आपने स्कूल टाइम पे सुना था सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ, सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। ये बात आप अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसका कहने का सिंपल तात्पर्य ये है, अगर आपकी एक बॉडी है और इस बॉडी में अरबों सेल्स हैं, करोड़ों मान लो करोड़ों सेल्स हैं, ये CR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से मिलके बनी हुई है। तो इसमें से हम एक सेल निकाल दें, मल्टीपल सेल्स मिलकर के करोड़ों बना रही है कि नहीं बना रही है? तो हमारी बॉडी का एक कण, ये एक कण, ये तो मल्टीपल सेल्स हो गई, एक कण वन यूनिट कहलाता है। तो उसी वन यूनिट को हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो सेल है वो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की। क्योंकि एक सेल से दो बनी, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, दस से फिर डबल डबल, इस तरीके से बढ़ती चली गई और करोड़ों अरबों सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो फंडामेंटल हो गया सेल के बारे में, एक हल्की सी कहानी। अब दूसरी कहानी की बात करें तो एक हमारे पास घर होता है रहने के लिए, सबके पास होता है ना। अब जब इस घर में आप रहते हो, इस घर को बनाने के लिए किस किस चीजों का आपने इस्तेमाल किया होगा? जब आपने एक प्यारा सा अपना घर बनाया होगा, उस घर में आपने लगाई होंगी ईटे, लगाई थी कि नहीं लगाई थी भाई? एक ईंट जोड़ी, दो ईंट जोड़ी, ईंट के ऊपर ईंट रखी और फिर जाके आपका एक सुंदर सा घर तैयार हो पाता है। यस एंड नो? हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे ही हम अपना घर तैयार करते हैं, है ना? यस। तो ये हमारी बहुत सारी ईंटें मिल करके हमारी दीवारें बनाएंगी, फिर छत बनाएंगी, फिर गेट, फिर पूरा घर इसी तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर जिस तरीके से हम इस ब्रिक मतलब ईंट, इस ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ईंट से, एक ईंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी ईंटें मिल करके हमारा प्यारा सा घर तैयार कर सकती है। उसी तरीके से एक सिंगल सेल बेचारी कुछ नहीं कर सकती, लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी तैयार कर सकती है। यस एंड नो? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दो और वीडियो को कर दो लाइक। तो अब बात आ गई कि हमने एक पॉइंट समझ लिया कि सेल सबसे छोटी इकाई है, सेल बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक कंप्लीट बॉडी बना रही है। अब जब हम सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल बनना, ये हमारी एक सेल है, अब इससे हमारी दो सेल्स बनेंगी, तो जो सेल टूटेगी उसको हम बोलेंगे मदर सेल, और जो सेल टूट रही होंगी,
टूट के कन्वर्ट हो जाएंगी उसको हम बोलेंगे डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, अब ये डॉटर सेल आगे जाके मैच्योर होंगी और मैच्योर होने के बाद फिर ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर डॉटर सेल बनाएंगी, फिर ये आगे चल के फिर से ऐसे डबल कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर ये मैच्योर होंगी डॉटर सेल, फिर ये आगे जाके सेल डिवीजन करेंगी। इस तरीके से सेल डिवीजन होता चला जाएगा, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। बात क्लियर हो गई? यस। सेल को जब हम स्टडी करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको लॉजी वर्ड नजर आ जाए तो इसका मतलब है स्टडी, साइटो मतलब है सेल, तो हम सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, आपकी फर्दर क्लासेस में आपको काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल दिखता कैसा है, होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक स्टेप बाद में। सेल कितने टाइप के होते हैं, पहला पॉइंट ये है। तो सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, कैसा जी, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जिसमें सिंगल सेल ही पाई जाती है, इसमें सिंगल सेल्स ही पाए जाएंगी। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ओनली सिंगल सेल पाया जाता है, उसमें मल्टीपल सेल्स नहीं होती। प्रो यूकैरियोटिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मल्टी सेल्यूलर हो, जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ, दीज आर मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। ओके, इसके अंदर कौन आएगा, इसके अंदर आएंगे एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में भी मल्टी सेल्स होती है, एनिमल्स में भी, एनिमल्स के अंदर हम भी आ जाते हैं। तो ह्यूमंस भी कैसे सेल्स है, ह्यूमंस भी यूकैरियोटिक सेल्स है। ये बात याद रह जाएगी आप लोग को, आई होप याद रह जाएगी। अब हम चलते हैं एनिमल सेल की तरफ, और एनिमल सेल पे भी ह्यूमन के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि हम एचएपी पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमन सेल कैसी दिखती है, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से यहां पे मेरे साथ डायग्राम बनाना सीखना भी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसे कर लेंगे, फिर आप ऐसे बना लेंगे, देन उसके बाद ऐसे, देखो बिल्कुल इजीएस्ट वे से आप भी बना लोगे। ऐसे कर लीजिए, देन उसके बाद ये, और नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट। आई होप आपने इतना कर लिया होगा। फिर इसकी आउटलाइन कर दीजिए अंदर से, अंदर से कैसे करेंगे, ये लीजिए, बिल्कुल इजीएस्ट वे से आप भी डायग्राम बनाना सीख जाओगे। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज, ये सेल का आउटर एरिया हो गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं दिस इज द सेल, और सेल के बाहर वाले एरिया का नाम है जो ये हमने बाहर बनाई है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है, हमारी सेल को बाहर से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो एक तरीके से बोल लो, सेल हमारी, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आते हैं सेल के अंदर, तो सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, तो ये हमने बना दिया जी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो यहां हम आउटर कवरिंग दे देते हैं
इसको नाम दे देते हैं, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? सेल का सेंटर पॉइंट है और यही न्यूक्लियस बाकी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ओके, जिस तरीके से आगे हम पहले सारी चीजें बना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। फिर हम बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर इजीएस्ट वे में, सभी बना लेंगे। ओके, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से बना रहे होंगे डायग्राम। कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और मेरे साथ में ही इस तरीके से ड्रॉ करते चले जाओ। चलिए, ओके, और एक के ऊपर ऐसे डॉट डॉट लगा दो। ये लो ये लो ये लो, लगा दी डॉट 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 डॉट, ये हो गई डॉट डॉट, ये लीजिए। तो हमने क्या बनाया, इसको हम नाम दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जो जिस पे इस तरीके की डॉट डॉट बनी रहेंगी वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है, जो ये डॉट डॉट है, ये है आर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर होती है। ये बात ध्यान में आ गई। अब आई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात, तो इसका क्या काम है? ये ऐसे ट्रांसपोर्टर काम करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब कुछ डॉट डॉट इस तरीके से पूरे सेल में फैली हुई रहती है। ये लो, पूरी सेल में हम इस तरीके से डॉट डॉट बहुत छोटी रहती है ये। तो ये क्या है? ये है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस करना राइबोसोम का काम है। तो ये राइबोसोम्स हैं। अब यहां पर सेल के अंदर एक और चीज पाई जाती है, ये लीजिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी देने का काम, सेल में एनर्जी एटीपी के रूप में यहीं पर ही स्टोर होती है। अब दूसरा चीज बना लेते हैं हम एक और, ये लो। अब आप बोलोगे ये क्या बना दिया भाई? तो ये है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है एसिडिक नेचर का, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम का। तो जिस भी डैमेज सेल पे इसके अंदर जो एसिड डाल दिया जाता है वो उसको डैमेज कर देता है, खराब। जैसे एसिड हम कहीं भी डाल दे, अगर आपके हाथ पे भी डाल दे हाथ ही जल जाता है ना, उसी तरीके से ये लाइसोसोम्स डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो एक तरीके से हम इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। आगे आ जाओ, और एक और चीज पाई जाती है सेल के अंदर, ये लीजिए। अब ये क्या बनाया? तो ये है वॉक्यूल। क्या है जी ये? वॉक्यूल। वॉक्यूल का क्या काम है? वॉटर का स्टोरेज यहीं पर ही होता है वॉक्यूल में। ओके, अब सेल के अंदर एक फ्लूड भरा हुआ रहता है इसमें पूरे में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूड का काम है जितने भी ये ऑर्गेनेल्स हैं, देखो जो भी हमने बनाए ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी, ये सब आप, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक नरिशमेंट या अच्छे से मूवमेंट कर पाए, उसी लिए यहां पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, एक और चीज इसमें पाई जाती है गोल्गी बॉडी, उसको भी बना लेते हैं कहीं ना कहीं, यही बना लो, ये लो गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये भी एज अ ट्रांसपोर्टर ही वर्क करती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से
सेल मेम्ब्रेन के बाहर सामान पहुंचाने में हेल्प करती है। तो ये हुई हमारी सेल की स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम में बना के आनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपसे ये बनानी आनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं आ रहा है, आपको डीप लेक्चर मेरे साथ पढ़ना है, तो डेली लाइव क्लासेस हो रही है हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पर। बीएसपी फार्मेसी जाकर के प्ले स्टोर से कर लो डाउनलोड। यहां पे आपको बी फार्मा की डी फार्मा की लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके घर पर नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, कोर्स, मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही सीरीज के साथ बने रहिए, आपको एचएपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डायग्राम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।